बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी इज टॉपिक नंबर 28 एंड द टॉपिक नेम इज टिश्यूज टिश्यूज मीन बाफ्ते उर्दू में हम इसको बाफ्ते कहते हैं ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टिश्यूज़ tissue is a group of cells which perform a common function all cells of the tissues are dependent on each other plant tissue may be classified into two main groups that is simple tissues and compound tissues Simple tissues have meristematic tissues. The word meristematic is derived from Latin word which means meristose. Meristose means to divide. So these cells have the ability to divide and redivide and help in the apical growth as well as lateral growth of the plant. So now let's see this diagram. This is uh, a typical plant. This is the stem. These are the branches of this plant, and these are the leaves of this plant. This is apical meristem. Apical meristem, a plant tissue meristematic tissues. मेरेस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज है जिसमें ये सलाहियत जिसमें ये सलाहियत पाई जाती है जो कि प्लांट की ग्रोथ करती है प्लांट की एलोंगेशन करती है और उसकी लेटरल ग्रोथ भी ये करती है सो so, एपिकल मेरेस्टिम जो है देयर फंक्शन इज टू एलोंगेट द प्लांट एलोंगेट द स्टेम एज वेल एज द रूट्स इंटर कैलोरी है और इसके अलावा लेटरल मेरिस्टम है ये दोनों मेरिस्टम जो है इट हेल्प्स इन द गर्थ ऑफ अ प्लांट प्लांट की गर्थ में ये इजाफा करती है उसकी मोटाई में उसकी चौड़ाई में ये इजाफा करती है सो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर दो टिश्यूज विच हैव द एबिलिटी टू एलोंगेट द प्लांट टू ग्रो द प्लांट देट ग्रोथ में भी एपिकल ग्रोथ और लैटरल ग्रोथ एनदर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज लैक द एबिलिटी टू डिवाइड इसमें यह एबिलिटी नहीं होती कि यह दोबारा डिवाइड और रीडिवाइड हो सके दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरे स्टेम ये परमानेंट टिश्यूज जो है इसकी इब्ता जो है वो प्राइमरी मेरेटम है द परमानेंट टिश्यूज ऑफ एपिडर्मल ग्राउंड एंड सपोर्टिंग टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में एपिडर्मल टिश्यूज आती है ग्राउंड टिश्यूज और सपोर्टिंग टिश्यू ये सब इसमें इंक्लूड है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मस एपिडर्मस कहते हैं मीन अपॉन डर्मा डरमा स्किन

इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द प्लांट एंड एक्सटर्नल इन्वामेंट यानी ये एक बाउंड्री बनाती है प्लांट और एक्सटर्नल इन्वामेंट के मबे ये एक बाउंड्री बनाती है द इपिटरमस सर्व सेवरल फंक्शन इसकी कई अवाल हैं इपिटरमस की इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस यानी पानी को ज़ाया होने से बचाती है रेगुलेट गैस एक्सचेंज जो गैसों का तबादला होते उस, उसको तोज़न से रखती है सीक्रेट मेटाबॉलिक कंपाउंड मेटाबॉलिक कंपाउंड ये सीक्रेट करती है जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है लेगेन है सिलोलोस है ही है एंड स्पेशली इन रूट्स एबजॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रेंट्स और रूट्स के ज़रिए ये ज़्यादातर क्या करती है वाटर और मिनरल की एबजॉर्बन करती है ये सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इपिडरमस इज यू आर वॉचिंग दिस दिस इज द इीडरमस ये स्ट्रक्चर जो है ही लीफ की स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लीफ द अपरमोस्ट लेर इज कार्ड क्यूटिकल इसको क्यूटिकल कहते हैं फिर उसके बाद जो है ये लेयर देखे ज़रा दिस इज कॉल्ड अपर एपिडर्मस और इसके बाद जो है पेलीसेट सेल है दीज आर दिलीसेट सेल्स इसके बाद जो है स्पंजी सेल है दीज आर दैलिसट सेल और स्पंजी सेल को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेजोफिल सेल्स इसके बाद जो है लोअर एपिडर्मस क्यूटिकल है ये लोअरमस क्यूटिकल है ये लोअर लोअरिपिडरमस है और ये क्यूटिकल है ये देखिए ये है स्टोमा स्टोमा सिंगुलर प्लूरल सो दिस इज द स्टोमेटा स्ट्रक्चर दीज आर द गार्ड सेल्स यहाँ पर क्या है दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के जो साख्त है ये क्या है ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर है इसके अंदर है न्यूक्लियस फिर है सेलवाल और उसके बाद है साइटोप्लाज्म सो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ अ डाइसेक्टेड लीफ एज यू आर वॉचिंग दिस दिस इज़ द क्यूटिकल क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर दिस इज अबरिपीडरमस पेलीसेड स्पॉन्जिम लोअर इपिडरमस क्यूटिकल यह भी हमने पढ़ा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा ये स्टोमा है स्टोमा इज सिंगर वाइल प्लूरल स्टोमेटा दिस इज अट्रक्चर ऑफ अ स्टेम स्टेम की ये एक साख है

दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरे स्टेम प्राइमरी मेरे से ये बनती है द ऑफ टिशू ग्राउंड एंड सपोर्टिंग टिश्यू परिशू जो है इसकी अकसाम अपॉन डर स्किन ओवर द स्किन अपॉन द स्किन ये वो टिशूस है जो लीफ बनाती है जो इसके अलावा ये स्टेम बनाती है और ये वाटर लॉस को ये रोकती है

बिल्कुल फासला ही नहीं होता ये कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लान पौधे के जितनी जितने भी हिस्से हैं उनकी ये प्रोटेक्शन करती हैं द दिटरमस इज कोटेड विद कोटे थिक लेयर कार्ड क्यूटिकल ये पिटर्मस की जो बैरूनी कोट होती जो लेयर होती है और जो वैक्सी है यानी इसमें चिकनाई है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल इज़ द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल Which prevent loss of water, पानी की जो जिया होती है उसको ये रो, रोकती है दीपीटरेशन ई पीटर में स्टोमेटा होते हैं और टोमेटा के रिप्लांट ट्रांसप्लाशन करती है नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू एज इंडिकेट ग्राउंड मीनि सहारा देना टू गिव सपोर्ट और डिवाइड टू थ्री बेस्ड नेचर ऑफ सेल्स इसकी तीन अकसाम है पेरन कायमा कोरन कायम और स्क्रीन कायम स्क्रीन कायमा ये अकसाम है पेरन कायमा टिश्यू पेरन कायमा सेल्स है और तीन वाल इसकी दीवार पतली होती है दी सेल्स आर ओवल स्पेरिकल और पोलीगर शेप ये जो खुलिया थे ये बेबी शक्ल होते गोल होते हैं पोलीगर होते हैं विच है मैनी एंगल्स दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स एंड मे रिमेन मेरे ऑफ मेच्योरिटी मीनिंग दैट दे वर केपेबल ऑफ डिवीजन इसमें ये सलाहियत होती है कि ये डिवीज़न अपनी बरकरार रख सकती है पेरनकाय मसल दर्जन लार्ज पेरनका मसल लार्ज होते हैं देहो लार्ज सेंट्रल वेक्यूल इसमें बड़ी वेक्यूल होती है वे चलो दू स्टोर एंड रेगुलेट आयंस वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर ये वेक्यूल जो है इसमें आयंस पाए जाते हैं फजलात पाए जाते हैं और पानी पेरनका स्पेशलाइज्ड फूड स्टोरेज खुराक को ज़हीरा करती है सेल इन द पैरनकमल विच इज़ रिस्पांसिबल फॉर द एंड एक्सचेंज ऑफ़ दिन सेल जो है ये मेजोफिल सेल बनाती है लीफ में और मेजोफिल सेल जो है वो फोटोसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और गैसिस एक्सचेंज के लिए नेक्स्ट है पेरकायासजेंस जो है ये रेजेंस को भी प्रोड्यूस करती है पेरनकामल सेल्स टिश्यू पैरनकामल सेल स्टोर स्टार्च प्रोटीन फैट्स एंड ऑयल फरनकाइमल सेल जो है स्टार्च प्रोटीन फैट्स और को ये जखीरा करती है दिस इस सेल वाल। इसकी जो खुलवी दीवार है वो मोटी होती है ते प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट यह सहारा देती है प्लान को पर्टिकुलरलीवू ये पौधे की जो बढ़ोतरी हो है

पाई जाती है, है और लेगन होते हैं प्लान टिश्यू दिक्डेट सेल्स और स्क्रीडनकाइमल सेल जो है ये प्लान सेल को सपोर्ट देती है सहारा देती है और ये होलियात जो है ये डेड होते हैं प्लान टिशू